अस्सलामु अलैकुम ऑल ऑफ यू, वेलकम टू अनदर डे अनदर ब्लॉग। तो चलिए स्टार्ट करती हूँ मैं आपके साथ। और ये 3 से 4 दिन पहले मैंने शूट करके रखा हुआ था। दीपावली पर ये कुछ गिफ्ट्स आए हुए थे मिल्टन की। ये वाटर बॉटल थी, हॉट एंड कोल्ड, बट ये काफ़ी छोटा साइज था इसका। साथ में ये सोन पापड़ी आई हुई थी और एक ब्लैंकेट वगैरह थे, छोटे मोटे और गिफ्ट्स थे, कुछ ड्राई फ्रूट्स वगैरह थे जो कि बस अभी फ़िलहाल मैंने ये निकाले थे साइड पर, तो मैंने इसी की वीडियो ले ली थी। और एक सिंगल वाला ब्लैंकेट भी आया हुआ था। और ये बोतल काफ़ी अच्छी थी बट अभी मुझे नहीं यूज़ में लेनी थी तो मैंने इसको रख दिया था। और साथ में ये हम सभी को पसंद थी तो हमने नाश्ता किया था। उसके बाद दोपहर में मेरे हस्बैंड आ गए थे और हम निकल गए थे रिसेप्शन में। और मेरे घर वहाँ मेरे मायके में ही वहाँ पर रिसेप्शन था कज़िन्स में, तो वहाँ पर हम गए थे। और काफ़ी अच्छा ये रूट था और मौसम भी आजकल काफ़ी अच्छा हो गया है तो काफ़ी मज़ा आता है। और जब मैं अपने मायके के लिए जाती हूँ तो वहाँ पर दो साइड से हम जाते हैं तो दोनों साइड से ही काफ़ी अच्छी ग्रीनरी है। तो अभी हम दूसरी साइड से आ रहे थे, एक साइड से रोड जो है वो काफ़ी ज़्यादा डैमेज हो गया था तो हम उधर से नहीं आ रहे थे, तो इधर से हम दूसरे रोड से जा रहे थे दूसरी साइड से। और काफ़ी ज़्यादा इंजॉय किया हमने, और शादी में रिसेप्शन में बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया। मेरी सिस्टर भी आई हुई थी और इस रिसेप्शन के 2 दिन बाद फिर से एक शादी में हमें जाना था, एक शादी फंक्शन फिर से हमें अटेंड करना था रिसेप्शन भी, क्योंकि मेरी जो एक सिस्टर है मेरे मुझसे छोटी वाली, तो उनकी जो सिस्टर इन लॉ हैं उनकी शादी थी तो उसमें जाना था, उनके रिसेप्शन में भी जाना था। तो काफ़ी ज़्यादा अभी शादियों का सीज़न स्टार्ट हो गया है तो काफ़ी ज़्यादा इंजॉय किया और काफ़ी ज़्यादा थकन भी हो गई थी, इसलिए काफ़ी ज़्यादा लंबा टाइम हो गया मैंने ब्लॉग नहीं डाला था। और फिर शादी वगैरह से आने के बाद भी काफ़ी ज़्यादा थकन हो जाती है और काफ़ी सारे काम हैं जो कि घर में हो जाते हैं करने के लिए, और कपड़े वगैरह इकट्ठा हो जाते हैं वॉश करने के लिए, और भी घर के काफ़ी सारे काम होते हैं क्लीनिंग। और फिर मेरे जो ट्यूशन के बच्चे थे उनकी भी ट्यूशन की ज़्यादा छुट्टी हो गई थी, और जिस दिन मैं आई हूँ फंक्शन से उस दिन भी मैंने बच्चों को बुलाया था, तो आने के फौरन बाद मैंने ट्यूशन दिया था बच्चों को। वहाँ पर रिसेप्शन जो था वो नाइट का था तो अभी हम यहाँ से ऐसे ही जा रहे थे और जितने भी कपड़े वगैरह थे वो हमने रख लिए थे और घर पे जाके हमें रेडी होना था, तो वहाँ से फिर हम मैरिज होम के लिए निकलते। और काफ़ी ज़्यादा इंजॉय किया क्योंकि नाइट का रिसेप्शन का फंक्शन था और काफ़ी ज़्यादा फंक्शंस में मोस्टली सभी रिलेटिव्स फ्रेंड्स सब मिल जाते हैं तो काफ़ी ज़्यादा इंजॉय किया जाता है और काफ़ी अच्छा लगता है। और ये हम पहुंच गए थे रेडी होने के बाद 2 से 2.5 घंटा हमें घर पे लगा था रेडी होने के लिए, सारी बहनें मम्मा और मेरे बेटा हस्बैंड सबको दोबारा से रेडी किया था। सिस्टर और मेरी अम्मी यहाँ पर खड़े हुए हैं और ये देखे यहाँ पर इतना ज़्यादा इंजॉय किया हमने, और काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर भीड़ थी, काफ़ी ज़्यादा मेहमान आए हुए थे और काफ़ी ज़्यादा गेस्ट चले भी गए थे, तो काफ़ी ज़्यादा इंजॉय किया। फंक्शन नाइट में ही अच्छे लगते हैं एक्चुअली। और यहाँ पर हम गोलगप्पे खा रहे थे, ये देखें एक गोलगप्पे का स्टॉल यहाँ पर लगा हुआ था जो कि हमने लास्ट तक भी खाए थे आते टाइम भी। और ये देखें इधर की साइड खाना हम खाने लगे थे, बिरयानी वगैरह थी यहाँ पर और ये गोलगप्पे किसी ने खा के यहीं पर रख दिए हैं। और दूसरी साइड पर और भी काफ़ी सारी डिशेज थी, तो और जाने के फौरन बाद से हम खाना खाने के लिए चले गए थे। और उसके बाद हम दुल्हन के पास गए थे मुंह दिखाई के लिए। यहाँ पर मेरी बेस्ट फ्रेंड आ गई थी, चाइल्डहुड फ्रेंड है ये मेरी एक्चुअली, और कज़िन भी है और बहुत ज़्यादा प्यारी है ये, और मुझे काफ़ी दिनों के बाद मिली थी ये, तो हमने थोड़ी सी बातें की, फिर उनके छोटे छोटे से क्यूट से बच्चे हैं, फिर वो उनके पास चली गई थी। और बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है जब अपने फ्रेंड्स मिलते हैं, और मेरी बहुत
लाइफ में बहुत कम लोगों को अच्छे फ्रेंड्स मिलते हैं, और मैं लकी हूँ कि मुझे इतने अच्छे अच्छे फ्रेंड्स मिले हैं, और बहुत कम फ्रेंड हैं लेकिन बहुत अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे फ्रेंड्स हैं मेरे। खाना हम खा चुके थे, उसके बाद में हम यहाँ पर आकर बैठ गए थे क्योंकि हमें दुल्हन के पास जाना था उनको देखने के लिए। और ये देखें, यहाँ पर सभी हम बैठे हुए थे। और ये मेरी बुआ जी की बेटी थी, ये मेरी बुआ जी बैठी हुई थी आगे वाली रो में सब, तो उनसे भी हम मिलकर आ गए थे और यहाँ पर हम आराम से बैठ गए थे। और वहाँ पर वीडियो शूट हो रहा था, दूल्हा दुल्हन का शूट हो रहा था। तो ये नेक्स्ट डे मॉर्निंग में हम वापस आने लगे थे घर के लिए। और ये जब हम रास्ते में जा रहे थे, ये एक गन्ने की ट्रॉली जा रही थी, तो मेरे बेटे का मन किया बहुत ज़्यादा कि उसको गन्ने खाने हैं, और एक गन्ना बाहर आ गया था ऑटोमेटिकली, तो मेरे बेटे को मेरे हस्बैंड ने दे दिया क्योंकि हम उसके पीछे थे ट्रॉली के, तो इजीली निकाल के दे दिया एक छोटू सा। तो मेरा बेटा रास्ते में उसी को खाते हुए आ रहा था और उसको बहुत ज़्यादा पसंद आया, और मैंने उसको छील कर दिया था रास्ते में, और आराम से वो पूरे रास्ते उसको खाते हुए आया है। और ये काफ़ी उसको कोशिश करने के बाद भी इससे नहीं छीला गया था ये, तो मैंने उसको छील कर दिया था रास्ते में, रुक के एक साइड पर, और तब मैंने उसको छील कर दिया था। और फिर उसने एक, मेरे बेटे को बहुत ज़्यादा पसंद है गन्ने, और गन्ने का रस भी उसको बहुत ज़्यादा पसंद है, बट आजकल दांत ज़्यादा मजबूत नहीं है बच्चों के, तो प्रॉब्लम हो रही थी उसको छीलने में। और चलिए आज का व्लॉग मैं यहीं पर एंड करती हूँ। अगर आज का व्लॉग आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। अल्लाह हाफिज़, मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में।